हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बोट वॉच इनिग्मा को कंपेयर करने वाला हूँ बोट वॉच स्ट्रॉम के साथ। इन दोनों वॉचेस को जो है मैंने इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि इन दोनों में जो है वो 500 रुपीज का जो है वो डिफरेंस है। बोट वॉच स्ट्रॉम का जो प्राइस है वो है 2499 रुपीज, वहीं आपको बोट वॉच इनिग्मा का जो प्राइस है वो है 2999 रुपीज। सो गाइज, इन दोनों में 500 रुपीज का डिफरेंस है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो दोनों बोट्स के वॉच जो आते हैं उनमें से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, किसमें क्या आपको स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, वो सारा कुछ जो है मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में। तो डिस्प्ले जो है वो बोट वॉच इनिग्मा का जो डिस्प्ले है वो है 1.54 इंच का डिस्प्ले दिया गया, कलरफुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो। और बोट वॉच स्ट्रॉम में जो है आपको 1.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। तो बोट वॉच इनिग्मा से जो है वो बोट वॉच स्ट्रॉम का जो डिस्प्ले साइज है वो कम है। बोट वॉच इनिग्मा का 1.54 है एंड इसका जो है वो 1.3 है स्ट्रॉम का। तो इसमें जो है आपको डिस्प्ले साइज कम मिलता है। बाकी आपको जो डायल है वो आपको रेक्टेंगुलर मिलने वाला है दोनों ही में, और डायल में जो है आपको कलरफुल डिस्प्ले मिलेगा और टच स्क्रीन सपोर्टेड है, और दोनों ही में आपको जो है वो टच स्क्रीन सपोर्टेड है। और डिफरेंस इसमें आता है, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 जो है आपको बोट वॉच स्ट्रॉम में मिलता है और ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट जो है वो बोट वॉच इनिग्मा में मिलता है। वाटर रेजिस्टेंट के मामले में आपको जो है वो जो डिफरेंस मिलता है वो यहाँ पे बोट वॉच इनिग्मा में 30 मीटर तक जो है आप उसको डीप ले जा सकते हैं, और यहाँ पे बोट वॉच स्ट्रॉम को जो है 50 मीटर तक ले जा सकते हैं, 5 ATM जो है वो सपोर्टेड है। सो गाइज, ये तीन जो है आपको डिफरेंस मिलते हैं इसमें। बाकी जो है वो सब कुछ सिमिलर है। इस दोनों वॉचेस में आपको जो है वो 10 डेज़ का बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों का जो पिक्सल्स है उसका जो रिजोल्यूशन है वो भी सेम है, 240x240 पिक्सल्स इस दोनों में दिए गए हैं। दोनों में आप जो है स्टेप काउंट, कैलरी काउंट, और दोनों में आप जो है वो कॉल नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन, सारे जो भी इसमें सेंसर जो दिए गए हैं, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और जी सेंसर, ये सब जो सेंसर दिए गए हैं वो दोनों ही वॉचेस में आपको दिए गए हैं। 2.5D ग्लासेस दोनों में दिए गए हैं, कर्व्ड ग्लास दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर और SPO2 सेंसर दोनों ही में आपको जो है वो देखने को मिलता है। दोनों ही से आप हार्ट रेट को ही मॉनिटर कर सकते हैं और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को ही मॉनिटर कर सकते हैं। दोनों ही में आपको जो है वो गाइडेड मेडिटेशन का जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों से आप जो है वो वेदर को जो है वो आप देख सकते हैं, वेदर फॉरकास्ट, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल फंक्शन में आपको जो है वो कॉल रिसीव का ऑप्शन नहीं मिलता है। कॉल को आप जो है वो नोटिफिकेशन आएगा कि कॉल किसका आ रहा है वो सब आपको मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, वेदर का नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, अलार्म का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वाइब्रेशन भी आपको जो है वो दोनों में मिल जाएगा। और ये जो दोनों वॉचेज़ हैं वो iOS एंड एंड्रॉयड दोनों को सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, दोनों ही वॉचेस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बट स्क्रीन साइज जो है वो आपको बोट वॉच स्ट्रॉम में कम मिलता है। 1.54 इंच का इनिग्मा में मिलता है और 1.3 इंच का आपको स्ट्रॉम में मिलता है। और दूसरा जो है वो इसमें आपको जो वाटर रेजिस्टेंट में 30 मीटर आपको जो है वो डीप मिलता है बोट वॉच इनिग्मा में, और 50 मीटर जो है आपको मिलता है बोट वॉच स्ट्रॉम में। और इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन में ब्लूटूथ 4.2 का जो है वो सपोर्ट मिलता है बोट वॉच स्ट्रॉम में, और बोट वॉच इनिग्मा में ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है। तो यही तीन जो है वो ओवरऑल इसमें आपको डिफरेंस मिलता है। बाकी सारा कुछ जो है वो इन दोनों में सिमिलर है। सो गाइस, 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर आपके पास 500 रुपीज़ का बजट कम है तो आप जो है वो बोट वॉच स्ट्रॉम के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो 3000 रुपीज़ के साथ आप बोट वॉच इनिग्मा को परचेस कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आपको सिमिलर मिलता है। आप म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब फीचर इन सभी में दिया गया है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।